later she just asked Aditya, do you want any extra services? So Aditya was a little awkward, and he was like, वेलकम बैक. सो इट्स डे टू जोधपुर में, और आज तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ बिकॉज आई हैड अ गुड ग्रेट लवली स्पा. मैं स्पा करवा के, हम दोनों ने स्पा करवाया, बट यहाँ पर ना एक चीज थी कि यहाँ इंडिविजुअल स्पा था, दे डिडंट हैड कपल स्पा. जबकि हम जहाँ पर भी स्टे किए हमने हर बार कपल स्पा ही कराया ना, हमेशा. कभी मैंने इंडिविजुअल स्पा कराया ही नहीं, कभी हमने करवाया ही नहीं. और आदित्य के साथ तो बड़ी बुरी घटी. क्या हुआ? घटी कुछ नहीं है. हाँ, बट यू डिडंट लाइक इट. हाँ, मतलब बट द स्पा वाज गुड, मसाज अच्छी थी. हाँ, मसाज अच्छी थी, बट लास्ट में फिर वो बोल के ना एक्सपीरियंस खराब कर दिया मेरा. मतलब आदित्य कब से यार डीप टिश्यू मसाज, डीप टिश्यू लूंगा. एक्चुअली द मसाज वाज गुड. I don't know. I don't want to judge anyone, but the person, she was also good. मतलब बहुत अच्छे से स्पा दिया. But later she just asked Aditya, do you want any extra services? So Aditya was little awkward, and he was like no. But he was little blunt also. But he had to be blunt. हाँ यार, ऑब्वियसली. मतलब अब वही है, मैंने कभी इंडिविजुअली ऐसे ली नहीं है कभी स्पा. आदित्य का ये पहली बार, और ये निकला बाहर, खुशबू तू चल मुझे तुझे कुछ बोलना है. एंड आई वाज लाइक क्या हुआ है, इतना अच्छा स्पा था, इतना मजा आया. मैं तो हेड मसाज भी तुम्हारी हुई नहीं, तुम्हारी डीप टिश्यू में हेड मसाज नहीं थी. नहीं, मैं तो अरोमा वाली में थी. मैं तो हेड मसाज, नेक मसाज तुम्हारे ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ी, कुड़ 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 यहाँ से आवाज आई. पूरी मेरे कोनियों से करी ना, पर आवाज आई बहुत जगह जगह मेरी, इतनी आवाज आई इधर और लेग पता नहीं ऐसे मोड़ी, ऐसे मोड़ी दो बार टक टक, दूसरी मोड़ी पता नहीं ऐसे फोल्ड करके, और उसमें दो बार ऐसे कड़ाके निकले ना. नहीं, मेरी तो इधर चढ़ी ना तो कुड़ कुड़ कुड़, मेरे को लगा यार मेरी हड्डी टूटी आज तो. पर अभी थोड़े से क्रैम्प ऐसे लगते हैं कि कहीं ना झटका आया, वो खुला है ना इसीलिए. मेरे को भी अच्छा लग रहा है, बट ऐसा लगता है. पर ना मेरी ना इधर चढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी हड्डियां गई, आज हड्डियां टूटने वाली है. बट वो आवाज जैसे बहुत सारा टाइम का ना वो जाम ऐसे होते ना वैसे थे, सर्विस हो जाती है. वैसे मसाज करवाना अच्छी बात है, बट आई वुड सजेस्ट इफ यू आर अ कपल गो टुगेदर, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इनसाइड. आई डोंट वांट टू जज, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब आल्सो. मुझे लगता है क्या पता बहुत सारे लोग करवाते होंगे, इसीलिए वो लोग देते हैं. तो मैं उसे भी जज नहीं करना चाहती, बिकॉज ऑब्वियसली वो इन सब चीजों के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. हाँ. और लोग देते ही होंगे, फिर उनके भी थोड़े बन जाते हैं. आई डोंट वांट टू जज एनीवन बिकॉज पता नहीं, मैं इन चीजों पे किसी को जज नहीं करना चाहती हूँ. तो बट वी डिड नॉट इवन गेट एंग्री ऑन हर, इट वाज जस्ट लाइक आदित्य वाज शॉक एंड स्केयर्ड. उसको थोड़ा डर लग गया, तो ही बस नो 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 आई डोंट वांट टू गेट इट डन, एंड बस अभी तू मसाज बंद कर, मतलब नाउ आई वांट टू गो बैक. है ना, तुम्हारा ये था उसके बाद, उससे पहले तक अच्छा था एक्सपीरियंस. तो ये लास्ट की 10 मिनट्स में बोली है. तो फिर ठीक है, 10 मिनट ही तुम्हारे ऐसे हैं, तब भी तुम जल्दी बाहर निकले. और मैं सोची यार ये मेरे साथ गया था और ये तो जल्दी निकल गया, मैं तो अभी निकल रही हूँ. मैंने तो बहुत, उन्होंने स्टीम भी बोली थी, वी हैड अ ऑप्शन स्टीम ली थी. और अब बात, I took a very good shower. मतलब मुझे वो shower इतना अच्छा लगा ना, मैंने shower लिया और उनका ही shampoo use किया, क्योंकि मुझे oil निकालना था बालों से. तो मैंने आज blow dryer भी नहीं किए बाल आके, मैं कहा लगा नहीं आज without makeup, without anything, my hair is looking like, my head is looking so light because of the massage. वो last में सिर्फ compliment, मतलब थोड़ा बहुत ही किया, but that was also very lovely. मेरे को था कि तुम कल भी सुबह एक बस पे जाओगे. जाता हूँ मैं. मैं भेजने भी नहीं वाली. सो वी आर आउट, हम थोड़ा सा ऐसे मार्केट घूमने आए हैं.
एंड बट आज हमें रिलैक्स होना है, हम ज्यादा करके मैंने खुशबू को कल ही बोल दिया था कि तूने मार्केट तो दोबारा आना ही आना है, कुछ भी जब तूने बोला उसके बाद ही मैंने प्लान बनाया, कुछ भी कर लो मार्केट तो आना ही है दोबारा। आज का फ्रेश लाइम सोडा हमारा रहता है। आज के भी मील वाउचर हमने रिडीम नहीं करे हैं, बट हमने मील ज्यादा हैवी नहीं खाए, बहुत लाइट और बहुत कम लिया, बट हाँ हम फ्रेश टाइम सोडा जरूर पीते हैं रोज। तो बस कल से छुट्टी खत्म एंड बैक टू आवर रूटीन। आज उन्होंने इडली, मैं रोज इडली खा रही हूँ, मैं रोज इडली खा रही हूँ, आज उन्होंने तड़का इडली बनाई विद टमेटोज इनसाइड, वह इतनी यम थी ना कि मैं कल भी उसे बोलूंगी, उसे बोलूंगी मुझे थोड़ी पैक करके भी दे। चलो थोड़ी देर के बाद करते हैं बात। हाँ अब थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, बट इट वॉज अ लवली, तुम्हें ये ऐसे ऐसा चाहिए था हॉलीडे, इट वॉज मच नीडेड हॉलीडे, बहुत रिलैक्स, मतलब हमारा रूम अच्छा है, हम, रूम अच्छा हम, था हम रोज, रोज इतनी अच्छी मूवीज देख रहे हैं। हाँ हसीना मान जाएगी, राम लखन, और आज सुबह होगी प्यार की जीत। आज रात को देखते हैं कौन सी देखेंगे, आज 14 फेरे देखेंगे, पुरानी आ रही होगी ना वो देखेंगे। बट सच में हमें ये हॉलीडे चाहिए थी, आई एम वर्किंग बट आई एम पार्शियली वर्किंग। तुमने मेरा छोटू फोन लाया क्या? नहीं अब नहीं लाया, वो वहीं पड़ा हुआ ना, मेरे को कंसल्टेशन का देना है तो, बट पता है इतने टाइम बाद इतना अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है ना, वी वांटेड दिस टाइम, है ना। ओके चलो थोड़ा हम बात बात करते हैं। गुड बाय एंड आज सुबह की हमारी इतनी बहसबाजी, इतनी लड़ाई हो चुकी है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड सो इट वॉज अ वेरी गुड स्टेकेशन, हम ज़्यादा जोधपुर घूमे नहीं बट हमने बहुत इन्जॉय किया, आई मीन वी हैड अ वेरी वंडरफुल टाइम, हॉस्पिटैलिटी यहाँ बहुत अच्छी थी, खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, वी ऑर्डर्ड राजमा यस्टरडे एंड राजमा वॉज यम, ही मतलब उन्होंने बनाया ऑन रिक्वेस्ट एंड आई वॉन्टेड टू ईट राजमा, आई वॉज लाइक मुझे राजमा खाने हैं एंड दे मेड राजमा फॉर अस एंड इट वॉज सो यम, सो यम। आज सुबह उन्होंने तड़का इडली बनाई टमाटर डाल के, विच वॉज द बेस्ट इडली आई हैव एवर हैड अपार्ट फ्रॉम वट आई मेक एट होम, बट द स्टे वॉज रियली गुड। हमने ज़्यादा ब्लॉग ऑन एंड ऑफ किया है जस्ट बिकॉज
वी वर स्पेंडिंग मोर टाइम विद द फैमिली. मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है. वैसे मैं इंस्टाग्राम पे फोटो डालती रहूंगी. मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर के लिए मैंने कौन सी चीजें कुर्तीज ली हैं तो वो मैं आपको दिखा दूंगी. एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग व्हाइल गोइंग. ठीक है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ. सो दिस इज अ बैगी पैंट विच आई गॉट फ्रॉम ज़ारा. इसके ऊपर एक बहुत अच्छा बो था जो मैंने निकाल लिया, वो अच्छा नहीं लग रहा था. एंड दिस इज द क्रॉप बॉडी सूट विच आई एम वेयरिंग इन साइड शूज एंड दैट्स इट. आई एम ऑल रेडी टू गो. आई हैव टू सी वेदर माई हस्बैंड इज रेडी. ये देखो यहाँ सामान. कितनी बार लड़ाई की तुमने मुझसे? हाँ, सुबह से लड़े जा रहे हैं. आज घर जाने का टाइम है ना, तो हम लड़े जा रहे हैं. और ये तैयार हो रहा है, मुझे कंसल्टेशन की कॉल करनी है तो मैं वो कर रही हूँ. डिड यू लाइक द स्टे? नहीं. यू विल मिस द रूम? नो. अच्छा, यू वांट पिटी? यस. ऐसे ना, तुम्हारे जो टॉप रैमन वाले बाल है ना, कल जो उस लड़की ने तुम्हारे साथ किया ना, उससे बोलूंगी. क्या सीरियसली यार, स्टे इतना अच्छा था या इतनी अच्छी लाइट, हमने इतने अच्छे फोटोज खींचे. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. After ages I got such kind of staycation. और मेरा मन था काफ़ी टाइम से ऐसा स्टे करने को. बट यस, इट वॉज रियली वेरी नाइस एंड आई इन्जॉयड अ लॉट. मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है. सो लेट मी गेट बैक टू वर्क नाउ एंड टॉक टू यू. ठीक है. सो सावन महीना है तो हम शिव जी पे घर पे तो जल चढ़ाते थे, बट हम यहाँ तो नहीं लेके आ सके थे शिवलिंग. तो यहाँ पे ही एक मंदिर है बिल्कुल होटल के पास. लोटा जरूर ले आते अपना. तो हमने मंडे भी ऐसे कर दिया था, बट हमने मंदिर बंद क्यों लग रहा है? मुझे भी 12 बज गए ना, मुझे लगता है मत्था ही टेकना पड़ेगा. बंद है ना मंदिर? बंद है कि 12 बज गए? चेकआउट करते होंगे. उस दिन तो सुबह जल्दी किया था तो बाहर से ही मत्था टेक लेते. तो यार मत्था टेक लिया, शिवलिंग था बट जल नहीं चढ़ा पाए. बट मंडे का तो मैंने चढ़ा दिया था, सैटरडे का नहीं हो पाया. बट एनीवेज मन में होना चाहिए भगवान के लिए. दैट्स इट एंड नाउ वी आर गोइंग ऑफ. अच्छा ट्रिप था है ना? तो तुम ऐसा लड़ते लड़ते ही था. मेरी फोटो जरूर खींची थी. जैसे कभी कभी आप कुछ दिल से भगवान से मांगो ना तो भगवान आपकी पूरी करता है. मेरे को था कि मैं मंडे और सैटरडे दोनों दिन, मतलब ऐसे कंपल्शन नहीं था बट मैंने सोचा हुआ था कि शिव जी को जल जरूर चढ़ाऊंगी इन सावन के महीने में. एंड खुद से मेरे को इतना बुरा लगा कि वहाँ बंद है. तो आदित्य ने एकदम से ही डाला कि एनी शिव मंदिर नियर मी, और आ गया. एंड वी वेंट, हमने बहुत अच्छे से जल चढ़ाया. तो कभी कभार वैसे हम बाहर नहीं जाते, हम घर में ही, हमारे पास शिवलिंग है. बट देखो होना था तो कुछ ऐसे माना नहीं था ना कंपल्शन. हम तो निकल रहे थे और रास्ते में ही मंदिर आया एंड हो गया. तो कभी कभार आप जब प्योर हार्टेडली कुछ मांगो ना कि हम ये करना चाहते हैं तो भगवान जरूर साथ देते. ऐसे ही हमारी गणपति होती है. हम जब 3 साल गणपति रख रहे थे, हमने जैसे भगवान से ना बोला था कि हमें वो बस आप एनर्जी या शक्ति देना कि हम ये कर पाए, हमें उतनी हिम्मत देना कि हम ये 3 साल कर पाए. एंड भगवान ने अपने आप जैसे करवाया. तुम्हारे एक बार माता रानी के दर्शन ऐसे हुए ना? जब तुम कहाँ जा रहे थे? मैं उधर जा रहा था, मकलोडगंज जा रहा था. तो ज्वाला जी के वहाँ पे तो आदित्य के दर्शन, मतलब आदित्य मुड़ गया था पीछे कि दर्शन नहीं होने वाले, बहुत बड़ी लाइन है और मुझे आगे भी ट्रेवल करना है. तो जैसे भगवान खुद से किसी को भेजा. हाँ. और उसने आदित्य का, मतलब आदित्य का कहा, अरे भैया क्यों वापस जा रहे हो, मैं आपके दर्शन करवाता हूँ. एंड दर्शन हो गए. तो कभी कभार पता है ऐसी चीजें हो जाती हैं जब आप बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे होते एंड मन से वो चाहते हो तो भगवान कभी कभार आपका साथ दे देता है. सो दैट्स सच अ स्वीट थिंग विच हैपेंड. एंड जर्नी भी अच्छी रहेगी. मत्था टेक लिया था ना, वो होता है हम लोगों को. हम जब घर से भी निकलते हैं तो भी वहाँ मंदिर जाके मत्था टेक के ही कहीं जर्नी करते हैं. और आज भी वैसे ही, आई एम सो हैप्पी. हाय गाइस, सो वी हैव क्रॉस किशनगढ़. हाँ, किशनगढ़ क्रॉस कर, डूडू भी क्रॉस कर लिया है. पता नहीं फ्रूट खाया है हर्षी ने, जो हमें ड्राई फ्रूट दिया हमने वो खोल के खाया. एंड
एक छोटी सी बात कहनी थी. आई डोंट नो हाउ यू विल टेक इट बट वी थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू ऑल. देखिए हम हर बार जज करते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया में एजुकेशन नहीं है इसलिए ऐसे इंडियंस हैं, इंडियन को इतनी तमीज़ नहीं होती. मतलब बहुत बार ये टैबूस रहते हैं या गंदगी बहुत है. जो बाहर से हमारे भी रिलेटिव्स कोई आता है ओहो वी डोंट लाइक ओवर हियर, वी डोंट लाइक टू स्टे ओवर हियर, या सब कुछ अच्छा है बट यहाँ गंदगी बहुत है या फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसे करके बहुत चीज़ों में बोला जाता है. समर यू नो जैसे 50-50 है. ऐसे नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह से ही गंदा है या पूरी तरह से ही सेफ हो गया है. बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं पॉपुलेशन में, सब कुछ है. मैं सब चीज़ों को मानती हूँ. बट एक चीज़ मैं आज कहना चाहती हूँ. अब हम ट्रैवल कर रहे थे सो वी आर गोइंग बैक. ये जयपुर वाली रोड है, हमारे पीछे गाड़ी थी ऑडी. मुझे इतनी कार्स के बारे में नहीं पता. हाँ पर वो छल्ले वाली बोलते हैं तो मुझे इसलिए पता है. ऑडी थी एंड कोई फैमिली बैठी हुई थी, जैसे फादर था और द किड वाज फैमिली ऑफ फोर और थ्री इतना लगता है. मदर पीछे थी एंड द किड वाज लाइक 8-9 स्टैंडर्ड, क्योंकि वो जब कार सीट पे बैठा था तो बड़ा था, दिख रहा था. तो उन्होंने पहले एक रैपर वेफर्स का बाहर ऐसे उड़ाया, वो हमारी गाड़ी को लगा. फिर सेकेंड वाला उड़ाया, फिर वो. अब हम ऐसे रोक भी नहीं सकते थे कि रोक के कहीं, बट गाड़ी स्पीड पे चल रही थी, हम ब्रेक नहीं मार सकते. बट एक बात है, जब पढ़े लिखे लोग अगर उनके पास एक ऑडी है सो वी कैन इमेजिन दे वुड हैव अ वेरी गुड हाउस, अ वेरी गुड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर द किड्स. अगर वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, बच्चा तो अब तक इतना बड़ा है कि वो ही सीख चुका है ये सारी चीजें. चलो बच्चे को तो छोड़ो, जो पेरेंट्स साथ में बैठे हैं अगर आप ही थोड़ा सा टोक देते. क्या होता है इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, इतना सा रैपर रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना. कहीं पर भी आप फेंक दो. हमने भी अब बनाना खाया, उसे टिश्यू पेपर्स में रैप करके उसका कचरा रख दिया. जहां पर डस्टबिन दिखा तो वहां जाके फेंक दिया, राइट. तो ये करने में मतलब कुछ इसमें स्पेस भी नहीं चाहिए. इतनी बड़ी गाड़ी में इतनी सी स्पेस एक रैपर के लिए तो निकल ही सकती है. थोड़े से एटिकेट्स रखो. लाइक वही लोग हैं जो बाद में बैठ के सब जगह नैग करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं. मैं नहीं बोल रही कि कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी सरकार है, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं. बट कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही पहले समझ लें तो हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें, राइट. अगर पढ़े लिखे लोग भी थोड़ा सा समझ लें तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा. हम अनपढ़ या ऐसे उन लोगों को बहुत क्रिप करते हैं, कभी कभार बोल देते हैं अरे ये तो अनपढ़ है, इसे क्या समझ है, या तो पॉपुलेशन ही ऐसे है ना, इतने बच्चे, बहुत चीज़ें बोल देते हैं. बट क्या फ़ायदा इतनी अच्छी स्कूलिंग लेने का, इतने बड़ी गाड़ियां, हर फैसिलिटीज होने का भी क्या फायदा, जब आप पता नहीं क्या कितना ही मिसयूज कर रहे हो. इट वाज सच अ बैड एक्सपीरियंस. हम दोनों ने आखिर मतलब एकदम गुस्से में उन्हें देखा एंड देन वी मतलब आगे अपनी गाड़ी ली बिकॉज वी वांटेड टू शो देम कि तुमने क्या किया है. सो मैंने ये बोलने के लिए मास्क निकाला था. सो नाउ वी आर हेडिंग बैक. बट Seriously, this thought will always remain in my mind. This is not how parenting should be. Or, you know, I won't set this example in front of my kids anytime. But इतना तो हम सबको पता है यार, सड़के वड़के क्यों गंदी करनी, एंड थोड़ा सा आराम से देख के हर चीज़ों को करना है. तो ये बेसिक था, ये बहुत बेसिक था. और कितनी बार ना जैसे ये गाड़ी के ड्राइवर्स, जो ये ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वो बाहर थूकते हैं तो भी हमें थोड़ा सा लगता है. बट फिर हम इसे देखें और एक जो ऑडी में बैठा हुआ उसे देखें तो दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा. दोनों इंसान ही हैं बट दोनों की सोच में काफ़ी डिफरेंस हम देखेंगे. एंड तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो किससे, आप खुद लिखना. इफ़ आई एम Anywhere wrong in saying this, I'm sorry, but I thought of bringing it in front of everyone and I thought of putting up my point of view. I'm sorry if I've hurt anyone. I'm not here to bash anybody, but yes, this habit or this gesture was really wrong, so I'm pinpointing that. Aap bhi please agar ye baat nahi hai, hum road
ट्रिप पर कितनी बार जाते हैं, कितनी बार हम वॉशरूम देखते हैं जो 5 स्टार के होते हैं, और उसमें भी लोग वॉशरूम जाता है बट फ्लश नहीं करता. आई मीन इट्स योर ओन शिट, आप अपने घर पे भी तो फ्लश करते हो, बट आप यहाँ क्यों नहीं. लेडीज टॉयलेट में ये बहुत बार नोटिस हुआ है. इफ यू हैव नोटिस, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. फ्लश नहीं करते, सेम ही रहता है, करते हैं नहीं करते. अच्छा, तो मतलब हम दोनों को अपना अपना पता है कि फ्लश, अगर फ्लश नहीं है, पानी नहीं है, आप उसे बंद कर दीजिए प्लीज, सो दैट कोई और अगर विजिट करे तो उसे आइडिया हो जाए कि ये ठीक नहीं चल रहा. वो खुला रहता है, इट लुक्स सो शैबी, इट लुक्स सो डर्टी. तो ये बड़े बड़े, मैं मतलब अच्छे जो बड़े फूड स्टॉल्स आते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जहाँ पर लोग ऐसे करते हैं. तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, एंड इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट यू नो गुड एंड बेटर. हाय गाइस, सो बैक होम. कुछ सामान लेने के लिए नीचे जा रहे हैं, घर पसरा पसरा पड़ा हुआ है. और इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा था ट्रिप. हम घर थे, घर से फिर यहाँ आए, वहां पर भी मम्मा पापा को मिलाए. मैंने जो मम्मा पापा के लिए कुछ खरीदा था वो मैंने एक्चुअली कल रात को व्लॉग इसलिए नहीं करा क्योंकि लेट हो गए थे बहुत, 12:30 बिकॉज, और घर मतलब आके चिपकली मिली है कितने को पहले. जोधपुर से दिल्ली था 615 किलोमीटर, और मुझे मतलब 515 किलोमीटर तक हमें इतनी सी भी दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट के 100 किलोमीटर ने जान ले ली. मैं कहता यार लास्ट के 100 किलोमीटर और स्टार्टिंग के 500 किलोमीटर बोले, मैं 500 किलोमीटर दोबारा कर लूंगा, लेकिन 100 किलोमीटर में बहुत दिक्कत है. जोधपुर से मैंने 2 स्टोर से बहुत अच्छी चीजें खरीदी है, 2 या 3 स्टोर थे ना, मैं आके दिखाऊंगी इस व्लॉग को एंड करने से पहले, मैं वो जरूर दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से शॉपिंग की. इफ यू आर फ्रॉम जोधपुर और यू कैन कॉन्टेक्ट देम, मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है उनके साथ, आई हैव पेड फॉर एवरीथिंग, बट आई लव देयर कलेक्शन. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय फॉर योर सेल्फ, मैं नीचे नंबर दे दूंगी आपको, सो यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ. जो मेरी मदर इन लॉ के लिए मैंने कुर्तीज ली थी वो मैंने दे दी, मैंने व्लॉग नहीं की, बट आई गॉट 2 कुर्ती सेट्स फॉर हर ऑल्सो. जो मम्मी के लिए मैंने अपनी मम्मी के लिए लिए अपने लिए लिए हैं वो इस घर में आ चुका है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी एक बार. कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मैंने वहां से बाय किया तो आई थॉट कि मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी कलेक्शन और बहुत अच्छे पीसेस थे. सो इफ यू वांट टू बाय फॉर योरसेल्फ सो यू कैन. हाय गाइस, सो वी आर बैक होम. टूर बहुत अच्छा था, मैं घर आके सब कुछ साफ सफाई सब कुछ करना, मैंने थोड़ा सा व्लॉग किया था फिर उसके बाद मैं एंड ही नहीं कर पाई. सो मैंने आपको बताया था कि मैं एंड करूंगी, तो आई गॉट फ्यू स्टफ्स फ्रॉम जोधपुर. मैं वहाँ के स्टोर्स का नाम आपको बता दूंगी, कलेक्शन अगर आपको देखनी है तो यू हैव टू गेट ऑन माई इंस्टाग्राम, वेयर आई विल शेयर द रील्स और स्टोरीज रिगार्डिंग एवरी थिंग. बट एक की तो मैंने शेयर कर चुकी हूँ, सो दिस ग्रीन कलर वन, ये आप देख चुके हो, बहुत अच्छा कफ्तान वेयर है. कुछ मम्मी के लिए भी है, मैं मम्मा वाला तो आपको दिखा, डेली वाली मम्मा के लिए जो था वो मैंने जब मैं आ रही थी उसे पहले ही दे दिया, एंड मम्मा की फिटिंग बहुत अच्छी आई है. मतलब जो भी कुर्तीज मैंने ली थी उन्होंने ट्राई करके देखी. जो मेरी मॉम के लिए, वन इज दिस एंड वन इज दिस ब्लैक कलर, तो वो भी बहुत अच्छी है. दिस इज़ फ्रॉम सब्या, तो मैं इसका इंस्टाग्राम, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स में शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे भी. मेरे लिए अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मेरे लिए ये 2 सूट थे, वन इज़ इन दिस कलर, द अदर वन इज़ दिस वन, आई रियली लव दिस सूट. तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी. बाकी दैट्स इट, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो ऑल्सो, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बटन लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.